हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूले। माँ जल्दी करो, वो लोग आने वाले ही होंगे, अभी तक कुछ भी नहीं बना। हे भगवान, 11 बजने वाले हैं। माँ कैसे होगा सब कुछ, जल्दी करो माँ, थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। अरे पहले तू अपना मुंह बंद कर और हाथ चला, तभी तो सब होगा, और उनके सामने भी अपनी जुबान को थोड़ा लगाम लगा दियो। दरअसल अर्चना को देखने लड़के वाले आ रहे थे जिसकी तैयारियां चल रही थी। अर्चना वैसे तो बहुत ही सुंदर और गुणी लड़की थी, लेकिन उसकी एक बुरी आदत थी ज्यादा बोलने की। अर्चना हर चीज को लेकर बात का बतंगड़ बना देती थी, और उसकी इस आदत से उसकी माँ बहुत परेशान थी। अब अर्चना को देखने लड़का मनोज और उसकी माँ आरती आते हैं। अर्चना हाथों में चाय लिए सबके सामने आती है। ये लीजिए बहन जी, आ गई हमारी बेटी। आओ बेटी बैठो, देखने में तो तुम बहुत सुंदर हो, खाना बना लेती हो ना। अरे बहन जी पूछना क्या, आप खुद ही चक्कर बता दीजिए, जो भी आपके सामने रखा है सब अर्चना बिटिया ने ही बनाया है। और बाकी घर के काम? जी सब कर लेती है हमारी बेटी, आपको कभी शिकायत का मौका नहीं देगी। फिर भी हमें तो आपकी बेटी बहुत पसंद है, लेकिन एक बार अर्चना और मनोज को अकेले में मिल लेने देते हैं, थोड़ा वो भी एक दूसरे को जान लेंगे। जी बिल्कुल, क्यों नहीं। तभी अर्चना और मनोज मिलने के लिए कमरे में जाते हैं। जी मेरा नाम मनोज है, आप तो मुझे जानती ही होगी, मैं एक इंजीनियर हूँ और आगे भी पढ़ाई कर रहा हूँ। वैसे आप देखने में बहुत सुंदर हैं, अब आप भी बता दीजिए कुछ अपने बारे में। जी मेरा नाम अर्चना है, मैंने अभी ग्रेजुएशन कम्प्लीट किया है, और आपको पता है मैं हर तरह का खाना बना लेती हूँ, और तो और मुझे कढ़ाई सिलाई बुनाई सब आता है। पता है मुझे डांस करने का कितना शौक है, एक बार। अर्चना बोले जा रही थी और मनोज को उसका ये अंदाज बहुत भाता है, और वो उसकी आंखों में खो जाता है। तभी कुंती वहाँ आकर कहती है, अगर तुम दोनों की बात हो गई हो तो हम चले, बाहर सब लोग तुम दोनों का फैसले का इंतजार कर रहे हैं। अब मनोज और अर्चना एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं और शादी के लिए हाँ कर देते हैं। अब जल्द ही अच्छा सा मुहूर्त निकाल कर दोनों की शादी हो जाती है, और अर्चना अब शादी करके अपने ससुराल आती है। अर्चना घर की सभी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाती है। एक दिन अर्चना घर का काम कर रही थी, तभी सब्जी वाला आता है। अरे सब्जी ले लो सब्जी, आलू प्याज टमाटर घिया गोभी पालक मेथी मूली शलगम हरी हरी सब्जियां ले लो, आ जाओ। अरे बहू जा, बाहर सब्जी वाला आया है, जाकर शाम के लिए सब्जी ले आ। जी माँ जी। अर्चना बाहर सब्जी लेने चली जाती है और सब्जी वाले से कहती है, भैया कैसी दिए भिंडिया। बहन जी भिंडी तो 40 रुपए किलो है, 40। क्या इतनी महंगी, और ये घिया। घिया 30 रुपए किलो, 2 किलो 55 के। हे भगवान, सब्जियां या सोना चांदी इतनी महंगी, आज तक तो कभी भिंडी इतनी महंगी नहीं हुई, और घिया जिसे कोई पूछता तक नहीं है वो भी 30 रुपए किलो बता रहे हैं। बहन जी इतने ही रेट चल रहे हैं, चाहे किसी से पूछ लीजिए। आप तो रहने ही दीजिए, सब्जियों के नाम पर ऐसे ही लोगों को लूटते रहते हो क्या। उन दोनों का शोर सुनकर आरती बाहर आकर कहती है, अरे क्या हुआ बहू, ये शोर कैसा हो रहा है। माँ जी देखिए ना, ये सब्जी वाला कितनी महंगी सब्जी दे रहा है। अरे आंटी जी ये आपकी बहू है क्या, कितना चिक चिक करती है। अरे आप तो मुझे जानती हैं, मैं कभी गलत दाम बताता हूँ क्या आपको। अरे कोई बात नहीं, दे दे जितने मांग रहा है। नहीं माँ जी मैं तो पैसे कम करवा कर ही रहूंगी। भैया तुम ही कम कर लो, क्योंकि ये तो मानने से रही, कभी और ज्यादा ले लेना। अब सब्जी वाला अर्चना को सब्जी दे देता है और आरती सब्जियां लेकर अंदर आ जाती है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन अर्चना और आरती हॉल में बैठकर टीवी देख रहे थे, तभी वो टीवी में बढ़ती बेरोजगारी के बारे में देखते हैं, जिसे देखकर आरती कहती है, हे भगवान दिन प्रतिदिन ये बेरोजगारी और गरीबी तो बढ़ती ही जा रही है, लोग दिन में एक बार का खाना भी नहीं जुटा पा रहे हैं। हाँ माँ जी सही कहा आपने, बेरोजगारी और महंगाई तो बढ़ती ही जा रही है। ये तो अच्छी बात है कि मेरे पति की तनख्वाह 50,000 है, वरना पता नहीं हम घर का खर्चा भी कैसे चला पाते। आगे चलकर हमारे बच्चे होंगे, उनकी पढ़ाई लिखाई स्कूल की फीस खाने का खर्चा कपड़ों का खर्चा। अरे कोई बात नहीं बेटा, सब हो जाएगा। कैसे होगा माँ जी, वो अकेले ही कमाते हैं, मान लीजिए आगे चलकर उन्हें कुछ हो जाए या वो मर जाए तो हमारा घर कौन चलाएगा। आपकी भी तबीयत खराब रहती है, कल को आपको भी जानलेवा बीमारी लग जाए, फिर आपकी दवाइयों का खर्चा और आपके लिए फल आएंगे उनका खर्चा। ये सब्जी वाले भी कितनी महंगी सब्जियां देते हैं, और इनके नखरे और देख लो, लेना है तो लो वरना जाओ, अगर हम ना ले इनकी सब्जियां तो कोई इनकी सब्जी भी ना ले। तभी आरती चिल्लाते हुए कहती है, अरे बहू बस चुप हो जा,
बहुत बोल लिया, मुझे माइग्रेन है, अगर तू ऐसी चिल्लाती रही तो मेरे सर की नसें फट जाएंगी। पर माँ जी आप ही बताइए। तुझे बोला ना चुप हो जा, और तुझे बोलना है तो मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, अकेली बैठकर बोलती रहना। अब आरती परेशान होकर वहाँ से उठकर अपने कमरे में चली जाती है, लेकिन अब अर्चना खुद से बोलना शुरू करती है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन शाम के समय आरती, मनोज और अर्चना बैठकर खाना खा रहे थे कि तभी बारिश होने लगती है। तो आरती अर्चना से कहती है, अरे बहू लगता है बहुत जोरों से बारिश हो रही है, छत पर कपड़े डाले हुए हैं, जा जाकर उठा ला वरना भीग जाएंगे। जी माँ जी। इतना कहकर अर्चना कपड़े उठाने चली जाती है और कपड़े उठाकर ले आती है। अब अर्चना खाना खाने बैठ जाती है और कहती है, हे भगवान इस बारिश ने तो हद ही कर दी, एक हफ्ते से हो रही है, बंद ही नहीं हो रही, पता नहीं कब बंद होगी। अरे बारिश के दिन है तो बारिश ही होगी ना। हाँ आप तो बस अपने बारे में ही सोचिए, ना जाने बेचारे गरीबों का क्या हाल हो रहा होगा जिनके पास रहने के लिए घर भी नहीं है और उनके छोटे छोटे बच्चे बारिश में भीग रहे होंगे। अरे बहू तू क्यों उनकी चिंता कर रही है, उनके लिए सरकार है ना, सरकार ने कुछ तो मदद की होगी। माँ जी अगर सरकार ही उनकी मदद करती तो वो लोग गरीब ही क्यों होते, हमारे देश की सरकार में तो सिर्फ भ्रष्टाचार ही है, तभी तो हमेशा इलेक्शन के समय धर्म को लेकर ही वोट मांगे जाते हैं, विकास की तरफ तो ध्यान नहीं दिया जाता। बहू बस कर, ये हमारा घर है, कोई पार्लियामेंट नहीं, नहीं तो सांसद है जो देश की गरीबी पर चर्चा करने बैठ गई। माँ जी पर आप खुद सोचिए ये कितना जरूरी मुद्दा है, आखिर हम भी तो इस देश के नागरिक हैं, हमें भी तो इसके बारे में सोचना पड़ेगा। और इस बारिश में उन किसानों का क्या हाल हो रहा होगा बेचारे, उनकी तो पूरी फसल ही बर्बाद हो जाएगी। हे भगवान मेरा तो सोच सोच कर ही दिमाग खराब हो रहा है, पता नहीं उन पर क्या बीत रही होगी। मनोज बेटा जरा अपनी पत्नी को चुप करवा, इसकी चिक चिक की वजह से तो मेरा सर दर्द होने लग गया है। अर्चना अब बस चुप कर जाओ और खाना खा लो, 24 घंटे चैं 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 थकती नहीं हो क्या तुम? पर मनोज जी आप ही बताइए मैंने इसमें गलत ही क्या बोला, अगर देश में ऐसी ही गरीबी और बेरोजगारी बढ़ती रही तो आगे चलकर ये हमारे बच्चों को भी इफेक्ट हो सकती है, हो सकता है आगे चलकर उन्हें कोई नौकरी ना मिले जिसके चलते वो डिप्रेस्ड हो जाए और हो सकता है सुसाइड कर ले, फिर क्या होगा मनोज जी? अर्चना चुप होने का नाम ही नहीं लेती, ऐसे ही बोलती रहती है कि तभी अचानक से उसकी सास बीमार हो जाती है। माँ जी। माँ क्या हुआ माँ को? देखो तुम्हारी वजह से माँ चक्कर खाकर गिर गई। मैं तुमसे कब से बोल रहा हूँ कि चुप हो जाओ, लेकिन तुम मेरी मानती कहाँ हो? तुम्हारे बोलने की वजह से मैंने तुम्हें पसंद किया था, लेकिन अब मुझे पता चल रहा है कि तुम कितनी ज्यादा बोलती हो। अगर माँ को कुछ भी हुआ ना तो तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। मुझे माफ कर दीजिए मनोज जी, अब मैं आगे से कभी नहीं बोलूंगी इतना। अब थोड़ी देर बाद आरती को होश आता है और वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। अर्चना को भी अपनी गलती का एहसास होता है और अब वो कभी ज्यादा ना बोलने का वादा करती है। हालांकि अर्चना अभी भी ज्यादा ही बोलती थी, लेकिन अपनी सास के सामने नहीं, और सब खुशी खुशी चिक चिक करने वाली बहू के साथ रहते हैं। रिया एक अमीर घर की बिगड़ी और घमंडी लड़की थी, वैसे तो उसका रंग सांवला था और कुछ ऐसा ही उसका मन भी था। रिया खुद के रंग को ढकने के लिए खूब सारा महंगा महंगा मेकअप करके अपना होलिया ही बदल लिया करती थी, जिसके कारण बाहर के लोगों को उसके असली रंग का पता ही नहीं था। ऐसे ही एक दिन रिया की माँ सुमन अपनी बेटी को एक अमीर घर के लड़के विराज की फोटो दिखाते हुए बोलती है, रिया बेटा ये देख कितना सुंदर लड़का है और अमीर है, मैं सोच रही हूँ कि तेरी शादी की बात चलाऊं, मगर ये इतना गोरा है सुंदर है, कहीं मना ना कर दे इस रिश्ते से। ओहो मम्मी तुम भी ना, पापा के पास इतना सारा पैसा है उसका क्या करेंगे, जब ऊपर जाएंगे तब अपने साथ लेकर जाएंगे क्या? चुप कर, शर्म नहीं आती अपने ही पापा के लिए ऐसी बातें बोल रही है, जैसा रंग है वैसा ही मन है कपटी। मम्मी लास्ट टाइम बोल रही हूँ, रिया अपनी मर्जी से जीती है, और रही बात रंग की तो मैं उसको भी कवर कर लूंगी, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, अगर मेरे लिए अच्छा नहीं बोल सकती तो बुरा भी मत बोलो ना। जिस घर जाएगी उस घर के लोगों को रोने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। हो गया तुम्हारा, अगर हो गया हो तो तुम मेरे कमरे से जा सकती हो, और हाँ मुझे ये लड़का पसंद है, शादी तो इससे ही करूंगी, और हाँ माँ अगर इनको मेरे रंग रूप के बारे में किसी ने कुछ भी बताया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, तुम्हारी एक ही लड़की है उसको भी खो दोगी और यहाँ से मेरी डोली नहीं अर्थी उठेगी। ऐसे ही कुछ दिन बाद रिया को देखने विराज अपनी माँ किरण के साथ आता है। रिया अंदर कमरे में बैठकर अपना मेकअप कर रही होती है, तभी वहाँ उसकी भाभी चारू आती है
और उससे बोलती है, रिया दीदी कहाँ हैं आप? दिख नहीं रहा क्या? तुम्हारे सामने हूँ। रिया दीदी ये आप हो? हाँ, पहचान नहीं पाई ना, यही है मेकअप का कमाल। मगर दीदी आप ऐसे जाओगे उनके सामने? तो ये सब मैंने तुम्हें दिखाने के लिए तो नहीं किया है। वैसे एक बात बोलूं दीदी? बोलो। दीदी हम जैसे हैं, अगर कोई हमें वैसा ही पसंद करे ना, तो वो रिश्ता ज्यादा अच्छा चलता है, क्योंकि उसे हमारी सच्चाई पता होती है, वो हमें पूरी सच्चाई के साथ अपनाता है। ऐसे झूठ बोलकर हम कब तक अपने रिश्ते को निभा पाएंगे? इससे अच्छा है कि आप जैसे हो वैसे ही जाओ उनके सामने। हो गई लेक्चरबाजी, हो गया हो तो जा सकती हो। और हाँ, मुझे तुमसे या किसी और से कोई ज्ञान लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है दीदी, आपको जो सही लगे वो करिए। चारू वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद रिया खूब सारा मेकअप करके हाथ में चाय नाश्ता लिए सबके सामने आती है। रिया को देखकर उसके भाई पापा अजीब सा मुंह बना लेते हैं और उसकी माँ उसे देखकर मन में बोलती है, हे भगवान, इस लड़की को सोचने समझने की शक्ति दो कि ऐसे झूठ बोलकर रिश्ते नहीं बनाए जाते। तभी रिया विराज की माँ के पैर छूती है। विराज और उसकी माँ को रिया पसंद आ जाती है। घर वालों की सहमति से दोनों का रोका हो जाता है। ऐसे ही समय बीतता है और एक दिन विराज रिया को कॉल करता है और बोलता है, कैसी हो रिया? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ कैसे हो? यार कल बाहर चलें? हाँ हाँ ठीक है, कहाँ मिलोगे मुझे? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें तुम्हारे यहाँ से ही पिक कर लूँ। ओके, आना तो मुझे कॉल कर देना। ऐसे ही दोनों की बातचीत होती रहती है और यूं ही अगले दिन विराज रिया को कॉल करता है, मगर रिया उसका कॉल नहीं उठाती क्योंकि उसका फोन साइलेंट पर था। थोड़ी देर बाद विराज कार से उसके घर जाता है और जोर जोर से हॉर्न बजाने लगता है। तभी चारू छत से देखती है कि विराज आया है। वो रिया को बताती है। रिया बहुत घबरा जाती है क्योंकि उस टाइम वो बिना मेकअप के थी। वो चारू से बोलती है, भाभी आप विराज से कहना कि रिया घर पर नहीं है, कहीं गई है, ऐसा कुछ भी बोल देना। अब भी समय है दीदी, अपनी खुशी के लिए आप इतना बड़ा झूठ और धोखा दे रही हैं। आप जब खुद को अपनी असलियत में नहीं एक्सेप्ट कर सकती तो आप लोगों से क्या ही उम्मीद करोगी? जितना बोला है उतना ही करो आप, समझी? ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है, समझ में आ गया? अरे मेरी जिंदगी है, मुझे क्या करना है क्या नहीं मैं अपने आप देख लूंगी। आप अपनी ये विचारधारा ना अपने पास ही रखो। इतना बोलकर रिया अपने कमरे में चली जाती है। तभी चारू विराज के पास जाती है और उसे अंदर आने को बोलती है। जैसे ही रिया ने बोला था वैसे ही चारू विराज से कह देती है और कुछ देर बाद विराज वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही समय बीतता जाता है और कुछ महीनों बाद रिया और विराज की शादी बड़े धूमधाम से हो जाती है और हर तरफ हंसी खुशी का माहौल था। शादी के बाद विराज और रिया की सुहाग रात आती है। रिया घूंघट किए बेड पर बैठी होती है, तभी वहाँ विराज आता है और दरवाजा बंद कर देता है, जिसके बाद वो उसके पास आकर बोलता है, आज मेरी दुल्हन की मुंह दिखाई है, आज सबसे पहले मैं अपने चांद का दीदार करूंगा। नहीं जी, पहले बताओ मेरे लिए क्या गिफ्ट लाए हो, तभी अपना चेहरा दिखाऊंगी। अच्छा अच्छा, मैं तो भूल ही गया था, रुको अभी लेकर आता हूँ। विराज रिया के लिए एक डायमंड का हार लेके आता है और रिया को देते हुए बोलता है, ये लो रिया, मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट। ओह कितना सुंदर है ये, थैंक यू सो मच। अब कर लूं तुम्हारी मुंह दिखाई? हाँ हाँ। विराज रिया का घूंघट उठाता है, जहाँ रिया बिना मेकअप के बैठी होती है। उसे देखकर विराज डर जाता है और बोलता है, कौन हो तुम? मेरी बीवी रिया कहाँ है? मैं ही हूँ रिया, यही मेरी असली पहचान है। ये सुनते ही विराज चक्कर खाकर जमीन पर गिर जाता है। रिया उसको ऐसे देखकर रोने लगती है। तभी वहाँ उसकी सास आकर बोलती है, माँ जी देखो ना इनको क्या हो गया। हे भगवान, तू कौन है? माँ जी मैं आपकी बहू रिया हूँ। माँ जी सवाल जवाब बाद में कर लेंगे, अभी हम इनको हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। किरण जल्दी से अपने बेटे को पास के हॉस्पिटल में लेके जाती है, जहाँ डॉक्टर उसका इलाज करते हैं। थोड़ी देर बाद डॉक्टर आते हैं और बोलते हैं, जी देखिए आपके बेटे को किसी बात का सदमा लगा है, चिंता मत कीजिए, थोड़ी देर बाद उनको होश आ जाएगा, अच्छा हुआ समय रहते आप उन्हें ले आए। ऐसे ही कुछ समय बाद विराज को होश आ जाता है। किरण अपने बेटे को लेकर घर आ जाती है। थोड़ी देर बाद किरण रिया के घर वालों को फोन करके बुलाती है। रिया बार बार अपनी सास से माफी मांगती है, लेकिन किरण कुछ नहीं बोलती। तभी उसके घर वाले आते हैं, जिन्हें देखकर रिया और भी ज्यादा रोने लगती है।
और तभी किरण बोलती है, मिल गई आपके कलेजे को ठंडक। अरे क्या बिगाड़ा था हमने जो आप सबने मिलकर हमसे इतना बड़ा झूठ बोला। मेकअप की आड़ में अपनी ये चुड़ैल जैसी बेटी मेरे फूल जैसे बेटे के पल्ले बांध दी। आज उसकी जो ये हालत है वो सिर्फ आप सबकी वजह से है। माँ जी मुझे माफ कर दो, इसने मेरे घर वालों का कोई दोष नहीं है। मैंने ही उनको मजबूर किया था झूठ बोलने के लिए, क्योंकि मुझे विराज बहुत पसंद आ गए थे, प्यार करने लगी थी, बस उनको पाने के लिए ही मैंने ये सब किया। तभी वहाँ विराज आता है और बोलता है, और मुझे पाने के चक्कर में आज मुझे हमेशा के लिए खो दिया तुमने। अगर तुम सच बोलकर मेरे साथ आगे आती ना तो मैं खुशी खुशी तुम्हें अपनाता, मगर अब मैं तुम्हें एक पल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। और हाँ, अपने घर वालों को लेकर यहाँ से निकल जाओ, वरना धोखाधड़ी का केस कर दूंगा सब पर। इतना बोलकर विराज रिया को धक्के मारकर निकाल देता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपने स्वार्थ के लिए इतना अंधा नहीं होना चाहिए कि हम गलत राह पर चले और बाद में पछताने के सिवाय हमारे पास कुछ ना बचे। कुसुम अपने बेटे सनम की शादी चंचल नाम की लड़की से करवाती है और आरती उतारते हुए उनका स्वागत करती है, जिसके बाद वो अपनी नई बहू से बोलती है, बहू आज से तुझ पर इस घर की सारी जिम्मेदारियां हैं। और हाँ, जरा अपनी शर्मीली ननद को भी थोड़ा मॉडर्न बनाना है, क्योंकि ये अपने नाम की तरह ही बहुत शर्मीली है। अरे माँ जी आप चिंता क्यों करते हो, मैं हूँ ना, अब से इस घर की सारी जिम्मेदारियाँ मेरी है। शर्मीली तुम भी अपनी नई भाभी से कुछ बोलो। वेलकम भाभी। शर्मीली इतनी सी बात भी ऐसे शर्मा कर बोलती है जैसे मानो उसको क्या ही बोलना पड़ गया हो। खैर इसके बाद चंचल और सरम अपने कमरे में आराम करने चले जाते हैं और कुछ देर में कुसुम शर्मीली को दूध के ग्लास देकर अपने भाई के कमरे में भेजती है, जहां जाकर शर्मीली बोलती है, भाभी वो माँ ने दिया है आप दोनों के लिए। अच्छा थैंक यू शर्मीली, चलो आओ कुछ देर बैठो मेरे पास। ना नहीं भाभी मुझे जाना है। शर्मीली इतना बोलकर शर्माते हुए वहाँ से चली जाती है और ये देखकर चंचल अपने पति सनम से बोलती है, तुम्हारी बहन बचपन से ही इतनी शर्मीली है या फिर दिमाग पे कोई चोट लग गई है। ये क्या बोल रही हो, कोई चोट वोट नहीं लगी, वो बचपन से ही कहीं नहीं आती जाती। माँ बहुत बोलती थी कि सबसे बोला कर मिला कर, लेकिन ये शर्मीली सच में इतनी शर्मीली है कि उसको ज्यादा लोगों के बीच में जाना, कुछ मांगना, ये और भी कोई काम हो हर चीज में इतनी शर्म आती है उसको। अच्छा जी करेंगे फिर ननन जी को आज के माहौल के हिसाब से तैयार, लेकिन पहले मैं इसके शर्मीलेपन का फायदा तो उठा लूं। अगली सुबह चंचल रसोई में खाना बनाने आती है, जहां उसको शर्मीली दिखती है और वो अपनी चालाकी दिखाते हुए उससे बोलती है, शर्मीली दीदी आपको पनीर के पराठे और सब्जी बनाने आते हैं? जी भाभी आता है ना, मुझे माँ ने बनाना सिखाया है। अच्छा तो आप मेरी मदद कर देंगी? जी भाभी कर दूंगी। चंचल सारा खाना शर्मीली से बनवा लेती है, जिसके बाद वो जब सबको खाना खिलाती है तो सब उसके खाने की बड़ी तारीफ करते हैं, लेकिन वो ये नहीं बताती कि ये खाना उसने नहीं बल्कि उसकी ननद शर्मीली ने बनाया है। और शर्मीली तो शर्म के मारे वैसे ही कुछ नहीं बोलती और ऐसे ही अपनी चालाकी से चंचल सारा क्रेडिट खुद ले लेती है। दिन यूं ही गुजरते हैं, चंचल अक्सर शर्मीली के शर्मीलेपन का फायदा उठाकर अपने काम निकलवाती। और ऐसे ही एक दिन चंचल को शॉपिंग के लिए पैसे चाहिए थे, जिसके लिए वो शर्मीली का सहारा लेते हुए अपने पति से बोलती है, सुनिए जी वो क्या है ना, शर्मीली दीदी को थोड़ी शॉपिंग करवानी है, आप मुझे थोड़े पैसे दे देते तो। क्या शर्मीली को, उसने खुद बोला क्या कि उसको शॉपिंग करनी है? अरे उन्होंने खुद मुझसे बोला है, अब वो मेरे साथ इतनी कंफर्टेबल हो गई है कि अपने दिल की बातें मुझसे कहने लगी है, इसलिए आप पैसे दे दो ना। हाँ हाँ ये लो और उसको जो पसंद हो वो दिला देना। ठीक है। चंचल सनम से पैसे लेकर शर्मीली को शॉपिंग पर अपने साथ ले जाती है, जहाँ वो उसको दो सस्ती सी ड्रेसेस दिलवा कर बाकी पैसों से खुद शॉपिंग करती है और घर आकर उसकी ड्रेसेस को महंगी डिजाइनर ड्रेसेस बताती है। ऐसे ही चंचल अपनी चालाकी से अपनी शर्मीली ननद का फायदा उठाया करती। लेकिन एक दिन कुसुम अपनी बहू से बोलती है, बहू शर्मीली की भी उम्र हो गई है शादी लायक, कोई अच्छा सा लड़का देखना शुरू कर दे उसके लिए। अच्छा माँ जी आपको दीदी के लिए कैसा लड़का चाहिए?
बेटा लड़का अच्छा हो और जान पहचान का हो तो और सही रहेगा, क्योंकि तू तो शर्मेली का शर्मीलापन जानती ही है, उसको घुलने मिलने में बहुत समय लगता है। अगर कोई बाहर का लड़का मिल गया तो फिर दीदी के शर्मीलेपन से जो फायदा मुझे हो रहा है ना, वो मिलना बंद हो जाएगा। एक काम करती हूँ, इस शर्मीली की शादी अपने ही भाई से करवा देती हूँ, मेरा तो हर तरफ से फायदा ही फायदा हो जाएगा। बहू बहू कहाँ खो गई? बताना कोई रिश्ता है या मैं अपने पंडित जी से बोलूं? नहीं नहीं माँ जी, मेरी नजरों में एक परफेक्ट रिश्ता है दीदी के लिए। कौन है बहू? माँ जी मेरा खुद का भाई है ना समर, आप उससे करवा दीजिए दीदी की शादी। मेरा भाई बड़ा भला है और हाँ, दीदी का शर्मीलापन भी अपनों के बीच रहकर जल्दी दूर हो जाएगा। पर तेरा भाई वो मान जाएगा? माँ जी क्यों नहीं मानेंगे, वो भी तो समीर के लिए लड़की देख रहे हैं ना, पर दीदी से अच्छी उन्हें कौन मिलेगी भला। चंचल अपनी चलाकी दिखाते हुए शर्मीली के लिए अपने भाई का रिश्ता लाती है, ताकि वो अपनी ननद के शर्मीलेपन का फायदा उठा सके। अब वो अपने भाई समर को मनाने के लिए उसे कॉल करके बोलती है, समर भाई देख मैंने तेरे लिए ना एक लड़की देखी है, शक्ल से भले ही बहुत सुंदर नहीं है, लेकिन हाँ उससे शादी करेगा ना तो तेरा भी फायदा है और मेरा भी बड़ा फायदा है। वो कैसे और वो लड़की कौन है? चंचल अपने भाई समर को अपनी ननद के बारे में सब बताती है, जिसके बाद वो शादी के लिए तैयार हो जाता है। कुछ ही दिनों में देख दिखाई करके दोनों का रिश्ता पक्का कर दिया जाता है। ये देख कर सनम बोलता है, चंचल अच्छा है मेरी बहन तुम्हारे घर जा रही है, मुझे अपने साले उर्फ होने वाले जीजा जी समर पर पूरा विश्वास है, वो मेरी बहन का अच्छे से ख्याल रखेगा। हाँ जी आप चिंता मत कीजिए, मेरा भाई दीदी को सर आँखों पर बिठा के रखेगा। चंचल कुछ समय में ही अपनी ननद की शादी अपने भाई से करवा देती है, जिसके बाद दोनों भाई बहन शर्मीली का बहाना बनाकर कभी कैश मांगते तो कभी कुछ और कीमती चीजें मांगते। ऐसे ही एक दिन समर शर्मीली से बोलता है, शर्मीली देखो हमारी शादी को एक दो हफ्ते हो चुके हैं, तुम ऐसे मुझसे शर्माती रहोगी तो हम अपनी जिंदगी आगे कैसे बढ़ाएंगे? पर समर जी मुझे कुछ और टाइम दीजिए, मैं धीरे धीरे खुद को इस घर में ढाल रही हूँ, जब मैं पूरी तरह कंफर्टेबल हो जाऊंगी तब हम आगे नहीं बढ़ सकते। देखो मैं तुम्हारा ये शर्मीला अंदाज और नहीं झेलूंगा, पति हूँ तुम्हारा, शादी करके तुमको मैं यहाँ घर संभालने नहीं लाया, मेरी भी कुछ जरूरतें हैं जो तुमको पूरी करनी होगी। पर आपने तो बोला था ना भाभी को कि आप मुझे पूरा पूरा समय देंगे, अब आप ऐसे फोर्स कर रहे हैं। मेरे से जुबान लड़ाती हो? अरे एक तो तुम जैसी लड़की से मैंने शादी करी उसका तुम्हें शुक्र मनाना चाहिए, ऊपर से तुम मुझे जवाब दे रही हो, अब कहाँ गई तुम्हारी शर्म। और ठीक है टाइम चाहिए ना, मैं टाइम दूंगा, लेकिन अपनी माँ से जाके बोलो मुझे पहले गाड़ी दिलाए। पर मैं ऐसा नहीं कह पाऊंगी, और समर जी वैसे ही आप बहुत कुछ ले चुके हैं मेरे नाम से, जबकि मैंने तो कुछ भी नहीं मांगा अपने परिवार से, आप मेरे नाम पर हमेशा उनसे मांगते हैं। बहुत ज्यादा बोल रही है, अब दोबारा मेरे सामने जुबान खोली ना तो मेरे से बुरा कोई नहीं है। समर ने शर्मीली से शादी इसीलिए की थी ताकि वो और उसकी बहन चंचल जो कि शर्मीली की भाभी भी थी, दोनों मिलकर उसके शर्मीले और भोलेपन का फायदा उठाकर उसके जरिए अपनी जरूरतों को पूरा कर सके। लेकिन शर्मीली भी आखिर कब तक चुप रहती? आज उसने शर्म भूलकर समर को जवाब दिया जो कि समर को बिल्कुल पसंद नहीं आया, और वो उसको थप्पड़ मारकर चला गया, जिसके बाद वो अपनी बहन को कॉल करके बोलता है, दीदी एक तो मैंने आपके कहने पे इस शर्मीली से शादी करी और अब ये मुझे ही जवाब दे रही है, आपने तो बोला था ये बचपन से ही बहुत शर्मीली है और कभी जुबान नहीं खोलेगी। यहाँ तो कभी नहीं खोली, मैंने कई बार उसका बहाना लगाकर सासू माँ और अपने पति से कितनी चीजें ऐठी हैं। बाकी कोई बात नहीं, मैं वहाँ आकर देखती हूँ बात करती हूँ। एक तरफ समर की बातें शर्मीली सुन लेती है तो दूसरी तरफ चंचल की बातें उसकी सास कुसुम सुन लेती है, जो अपनी बेटी के खिलाफ इतनी सारी सच्चाई जानने के बाद अपने बेटे सनम को सब कुछ बता देती है। और ये सब सुनकर सनम गुस्से में घर आता है और चंचल को कमरे से घसीटता हुआ बाहर हॉल में लाकर पटकते हुए बोलता है, अरे तुमको शर्म नहीं आई मेरी भोली भाली बहन की जिंदगी बर्बाद करते हुए? तुम अच्छे से जानती थी उसका स्वभाव, वो बहुत शर्मीली है, तो तुमने उसकी मदद करने की बजाय उसका फायदा उठाया,
अरे डायन भी सात घर छोड़कर वार करती है, लेकिन तुमने तो अपना ही घर खा लिया। नहीं सनम जी, मैंने कुछ नहीं किया। इन सब के बीच शर्मिली रोते हुए अपने घर आती है, जहां वो पहले ही अपनी भाभी को ऐसे जमीन पर गिरा देखकर अपने भाई के पास आकर बोलती है, भाई ये भाभी को ऐसे कैसे जमीन पर बिठाया हुआ है? पहले तू बता, ये तेरे मुंह से खून कैसे निकल रहा है? शर्मिली समर की सारी सच्चाई अपने भाई और माँ को बता देती है। ये सुनकर कुसुम बोलती है, बहू तुझे मेरी भोली भाली बेटी ही मिली थी बर्बाद करने के लिए, लेकिन कोई नहीं, अगर मेरी बेटी तेरे भाई की बीवी है ना, तो तू भी शर्मिली के भाई की बीवी है, इसलिए हम तुझे घर से निकालते हैं। जा और अपने भाई के पास रह, उसे भी तो पता चले कि जब बहन पर दुख आता है तो कैसा लगता है। माँ सही कह रही है, निकलो हमारे घर से। कुसुम और सनम चंचल को घर से निकाल देते हैं, जिसके बाद समर अपनी बहन को मायके में रहता देखकर अपनी गलती को याद करते हुए पछताता है और वो उसको सुधारने के लिए शर्मिली के घर जाता है, जहां वो सबसे हाथ जोड़कर माफी मांगता है और शर्मिली को हर खुशी देने का वादा करता है। उसके साथ चंचल भी अपनी चालाकी दिखाने के लिए अपनी सास, पति और ननद से माफी मांगती है और सब एक बार फिर से नए सिरे से जिंदगी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।